नमस्कार, आप देख रहे हैं MSH न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिवांग तिमोरी। इस वक्त हम खड़े हैं भरतना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां आज लोकसभा इटावा के सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगने का शुभारंभ हो चुका है। इसी को देखते हुए लोकसभा इटावा के सांसद भरतना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया है। आपको बता दें, वैक्सीनेशन का शुभारंभ के साथ ही उन्हें भरतना के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका भी निरीक्षण भी किया है। और आइए हम उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है इस बारे में। देखिए, मैं अपने लोकसभा की जनता से और विशेष रूप से अपील करता हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि जो इस समय कोरोना का प्रभाव पहले चरण में था उससे ज़्यादा दूसरे चरण में था और उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई, तीसरे चरण की संभावना है। और केवल ये भारत में नहीं, पूरे दुनिया में है। और उसके समाधान के लिए केवल वैक्सीन है, जिस वैक्सीन के लगने से उसका बचाव है। जिन लोगों ने भ्रम फैलाया, जिन लोगों ने राजनीति की है, उन लोगों ने स्वयं इसको लगवाया है। प्रधानमंत्री जी ने लगवाया, मुख्यमंत्री जी ने लगवाया, हम सब ने लगवाया, मैंने पूरे परिवार में लगाया। किसी तरह इस वैक्सीन से कोई भी कठिनाई नहीं है, किसी तरह कोई समस्या नहीं है। देश के अंदर लगभग 6 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों ने जानबूझ करके अफवाह फैलाई कि वैक्सीन से बुखार आता है, वैक्सीन से समस्या होती है, कुछ नहीं होता है। तीसरी लहर से बचाव के लिए ये जरूरी है। और आज 18 प्लस 18 जिनकी आयु हो गई 18 साल के, उनसे ऊपर के बच्चों तक में आज से शुभारंभ हुआ है। भरतना में इसकी शुरुआत हो रही है, मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं और सबसे अपील कर रहा हूं कि ऐसी तीसरी लहर आने वाली है, इससे बचाव के लिए अपनी जान जोखिम ना डाल करके पड़े किसी की, बच्चे भी किसी तरह कोई इस तरह की समस्या ना आए, इसके लिए वैक्सीन लगाएं। यही मेरी अपील है।